प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश भर में लोगों को कांग्रेस जागरूक करेगी। इसके लिए कांग्रेस की ओर से सोमवार को अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत हर पदाधिकारी को 25 लोगों को जागरूक करने का टारगेट दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने जिला अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में कोरोना की तैयारी का जायजा लिया और जिले में कांग्रेस किस तरह से लोगों की मदद कर रही है इसकी जानकारी भी ली। साथ ही इस दौरान सभी अध्यक्षों को लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए। इस अभियान के तहत कोरोना महामारी से बचने के लिए क्या उपाय करने हैं इसकी जानकारी कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा लोगों को दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पार्टी द्वारा हर संभव सहयोग सरकार को दिया जा रहा है। साथ ही लोगों में मास्क, सैनिटाइजर और राशन वितरित करने का कार्य भी किया जा रहा है। अभी मैंने स्वयं इसकी शुरुआत की है, योग अपना अंशदान देके हमारे विधायक दल ने जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक महीने का वेतन दिया है और अभी हमारा जो है ये कलेक्शन चल रहा है और जब ये इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद हम ये निर्णय लेंगे कि इसका उपयोग किस ढंग से होना चाहिए, क्योंकि इसका सदुपयोग होना चाहिए, ये हमारा प्रयास रहेगा। कांग्रेस ने 25 लोग, देखिए ये मैंने आज आह्वान किया है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो मापदंड है वो जो है आम लोगों तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हम गंभीर नहीं हैं। क्योंकि मैंने देखा कि जब कर्फ्यू में ढील होती है तो लोग मास्क लगा के जो है गलबाइयाँ डाल के घूम रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। तो ये संदेश आम जनों तक जाना चाहिए। मैंने अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों से निवेदन किया है कि वो दिन में 25 लोगों से बात करके इसकी जानकारी दें और वो 25 आगे 25 लोगों से बात करें। इस तरह से जो है एक चेन बननी चाहिए ताकि हर व्यक्ति तक, समाज के हर व्यक्ति तक, हर वर्ग तक जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी बात पहुंचे और दूसरा पार्टी का हमारा संदेश है वो भी हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच को लेके जो है आज से हमने ये कैंपेन प्रदेश में शुरू किया। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।